हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं सैटेलाइट टाउन्स के बारे में। सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं। सैटेलाइट टाउन्स आल्सो नोन एज सब अर्बन और पेरिफेरल टाउन आर न्यूली प्लांट अर्बन सेटलमेंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल सिटी। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिटी जो होती है अपनी, वहां पर एक एरिया होता है सीबीडी एरिया। अब सीबीडी एरिया मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसी की पेरीफेरी में जो है सिटी धीरे 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 ग्रो करती है ना। जब मान लीजिए आपका जो मेन मार्केट होगा आपकी सिटी का, वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। फिर थोड़ी दूरी तक आपका वो बड़ा जो सिटी है वो फैली, फिर थोड़ी और दूरी तक सिटी फैली, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि अपन इस सेंट्रल दूरी से जगह थोड़ी सी दूर जगह पर अपन ने एक पर्टिकुलर नया अर्बन सेटलमेंट डेवलप किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटेलाइट टाउन ऑर्गेनाइज इन लेट 19th सेंचुरी एंड सिंस देन इट हैज गेन्ड पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड। सेटेलाइट टाउन आर डिजाइन टू डीकंजेस्ट दी सेंट्रल सिटी एंड प्राइवेट प्रोवाइड रेजिडेंस विद बेटर लिविंग कंडीशन। तो अब ये जो सेंट्रल सिटी है इसको अपने को डीकंजेशन करना है, यहाँ से अपने को लोगों को निकालना है और लोगों को यहाँ पर जो इनकी लिविंग कंडीशन है यहाँ पर कुछ अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पर ये चीजें डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंजेस्टेड हो चुका है, जो जमीन के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो हम हमारी सिटी को थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेटेलाइट टाउन। इनके बेनिफिट्स और प्लानिंग के बारे में जानेंगे अब। अब प्लानिंग होती है, द प्लानिंग ऑफ सैटेलाइट टाउन्स इन्वॉल्व्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग। द प्राइमरी एम ऑफ सैटेलाइट टाउन इज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव लिविंग स्पेस फॉर पीपल हु वर्क इन द सेंट्रल सिटी। द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द प्लानिंग ऑफ सैटेलाइट टाउन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीबीडी के चारों तरफ आप जो बना रहे थे अपना सिटी डेवलप कर रहे थे, अब साइड में आपको सिटी लाइट जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि यहाँ से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आने में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है। फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक रोड की कंडीशन हो गई है ना, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई, वाटर की सुविधा हो गई, सैनिटेशन की सुविधा हो गई, वो कैसी है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो हाउस बन रहे हैं वो कौन से मतलब क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, तो वो कौन सा है, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या प्राइमरी कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं। प्लानिंग के में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला लोकेशन। जो सेटेलाइट टाउन आप बना रहे हैं उसकी लोकेशन है ना, मस्ट बी स्ट्रेटेजिक प्लान टू इजीली एक्सेसिबल टू द सेंट्रल सिटी वाइल अलोंग बीइंग फार इनफ टू अवॉइड कंजेशन। मतलब जनरली क्या होता है, जैसे आपने कोई सीबीडी एरिया है अपना जनरली, तो इसके चारों में होता है आपको यहाँ अपन से कोई सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सीबीडी एरिया से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं हो और इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब सीधा एक रोड जो है उसको कनेक्ट करता हो। ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी कनेक्टेड द सेंट्रल सिटी थ्रू ए रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रोड, रेल, बस नेटवर्क। तो कोई मतलब जैसे प्राइवेट टैक्सीज हैं वो एनी टाइम उस जगह से आपको सेंट्रल में आने के लिए मिल जाए। कुछ छोटी, या तो अगर रेल, एक छोटा रेलवे स्टेशन है तो वहां से कई जगह पर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन एक एक सिटी में दो दो रेलवे स्टेशन होते हैं है ना, तो उस दूसरे वाले रेलवे स्टेशन से लोग इस वाले रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। इसके बाद अपने बोल सकते हैं बस जो है छोटी मिनी बस या अपन बोल सकते सिटी बस है वो यहाँ से यहाँ आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी प्लान्ड एंड डेवलप। तो हम क्योंकि नई सिटी डेवलप कर रहे हैं या नया एरिया डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी हमें प्लानिंग करके डेवलप करना पड़ेगा। सेटेलाइट टाउन मस्ट ऑफर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हाउसिंग ऑप्शन टू पीपल हु वर्क इन दिस सेंट्रल सिटी। जो सेंट्रल सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ा फ्री स्पेस उन्हें मिल जाए, अच्छे गार्डन मिल जाए और जो हाउसिंग है उसकी रेंट रेट भी अफोर्डेबल हो, इस टाइप की हम उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या बेनिफिट हैं सैटेलाइट टाउन की अगर हम बात करते हैं। सैटेलाइट टाउन ऑफर सेवरल बेनिफिट टू बोथ रेजिडेंट्स एंड सेंट्रल सिटी। सम ऑफ दिस सिग्निफिकेंट इंक्लूड डी कंजेशन। सबसे पहला ये है कि जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सीबीडी अपना है, तो ये जहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ चुका है, इसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ चुका है, तो एक अल्टरनेटिव लिविंग स्पेस, हाँ भैया यहाँ पर भी लोग रहते हैं, वो अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेटेलाइट टाउन ऑफर रेजिडेंस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद क्लीनर एयर, ओपन स्पेस, लोअर लेवल ऑफ नॉइस एंड पोल्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि सारी एक्टिविटी यहीं पर हो रही है, तो एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, तो उनके लिए एक बेटर लिविंग कंडीशन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो।
इकोनॉमिक ग्रोथ सेटलाइट ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है नए बिजनेस, वो बहुत महंगे हो रहे हैं, तो वो जो है वापस इसी जगह पर अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, क्योंकि जमीन सस्ते दाम पर अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो नए बिजनेस अट्रैक्ट हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, सैटेलाइट टाउन ऑफर अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन फॉर पीपल हु वर्क इन सेंट्रल सिटी। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग या रेंट पे रहना है तो एक अफोर्डेबल रेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात करें, सैटेलाइट टाउन प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑफरिंग रेजिडेंट्स एक्सेस टू ग्रीन स्पेस एंड प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एंड फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ये ग्रीन स्पेसेस को भी बढ़ावा दे सकते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दे सकते हैं। क्या क्या एडवांटेज हैं सेटलर टाउन में रहने की? सबसे पहला, मोर अफोर्डेबल हाउसिंग। हाउसिंग प्राइसेस इन द सेंट्रल सिटी कैन बी एक्सपेंसिव, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल टू अफोर्ड टू लिव देयर। सेटेलाइट टाउन ऑफर मोर अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू फाइंड अ होम दैट फिट्स देयर बजट। तो लोग जो है सिटी से बाहर निकल के थोड़ा सा दूरी पर अपने बजट में घर ले सकते हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेटेलाइट टाउन ऑफर लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग देन सेंट्रल सिटी। दिस कैन बी स्पेशली अट्रैक्टिव टू फैमिलीज विद चिल्ड्रन हु मे बेनिफिट फ्रॉम लोअर हाउसिंग कॉस्ट एंड लोअर टैक्सेस। यहाँ पर टैक्स भी कम है, हाउसिंग की कॉस्ट भी कम है, तो जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेटेलर ऑफन ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन विद मोर ग्रीन स्पेस, लेस ट्रैफिक, क्विटर, मोर रिलैक्स एटमोसफियर। तो ऑब्वियसली बात, मैंने आपको पहले बताया कि जो सेटेलाइट टाउन है, सेटेलाइट टाउन है, यहाँ पर क्या है कि आपको एयर क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, आपका थोड़ा ग्रीन स्पेस अच्छा मिल जाएगा, गार्डन पार्क आप डेवलप कर सकते हो। एक्सेस टू जॉब, सेटेलाइट टाउन प्रोवाइड एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेंट्रल सिटी व्हाइल ऑफरिंग ए मोर रिलैक्स सबअर्बन लाइफस्टाइल। दिस कैन बी अट्रैक्टिव टू पीपल हु वांट टू लिव इन अ लेस हेक्टिक एनवायरमेंट बट स्टिल वर्क इन सिटी। तो यहाँ से आपकी सिटी में जाने के लिए आपके पास सिटी बस अवेलेबल है और भी बहुत सारे साधन अवेलेबल है, और वो भी विदिन आप 15 to 20 मिनट में आप यहाँ से सिटी में पहुंच जाते हैं, आपकी वर्क लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पर काम करिए और यहाँ के बाद आप यहाँ रहिए, ठीक है? क्या क्या एग्जाम्पल है, नोएडा की बात करें, लोकेटेड इन एनसीआर रीजन, नोएडा इज वेल प्लान्ड सैटेलाइट टाउन दैट ऑफर्स अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन टू पीपल हु वर्क इन दिल्ली। खैर अभी तो नोएडा भी महंगा हो गया, लेकिन जो दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे पहले, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था कि वो लोग नोएडा में रहते थे, ट्रेन पकड़ते, आधे घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाते, दिल्ली काम करते, फिर शाम को वापस निकलते, आधे घंटे में नोएडा पहुंच जाते। गुड़गांव है ना, सेम हरियाणा में है गुड़गांव, ये भी एक तरह सेटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप किया गया, लेकिन अभी वापस यहाँ पर भी रेट्स काफी बढ़ गई है ना। गाजियाबाद, ये भी सेंट्रल सिटी के सराउंडिंग ही डेवलप किया गया, दिल्ली में काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं और वापस वो काम करके आ जाते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से जो है हम सेटेलाइट टाउन डेवलप करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, सैटेलाइट टाउन ऑफर सेवरल बेनिफिट टू बोथ रेजिडेंट्स एंड सेंट्रल सिटी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग स्पेस एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल लिविंग। द सक्सेसफुल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। ठीक है, तो इन तीनों का हमें ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, हाउसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much.